और देखिए हमारे देश की डेवलपमेंट ऐसी है कि जब कोई काम शुरू होता है तो शुरू होने के बाद उसे एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार साल नहीं, पाँच साल नहीं, छः साल नहीं, छोटा बच्चा पैदा होता है और वो टेंथ में पहुंच जाता है, वो देखते हैं यार मेरा कंट्री कैसा है, जहाँ पर एक पुल शुरू होता है उसके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे जब पुल जाने की कंप्लेंट होता है, और जब तक जब कंप्लेंट होगा पुल जो बच्चा है ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान छोड़ के कहता है यार मैंने तो यहाँ मिट्टी देखी है, धूल देखी है, और जहाँ पर ये जो काम होते हैं सब डिले ही देखे हैं। तो आज हम आपको पुल दिखा रहे हैं, इसको एक नहीं दो नहीं कितने साल हो गए बनते बनते, लोगों के घरों में मिट्टी जा रही है, मुंह में मिट्टी जा रही है, कई बीमारियां फैल रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। और ये जो हमारा प्लानिंग होता है, जो हमारे इंजीनियर होते हैं, जो सरकार होती है वो पता नहीं क्या करती है, पैसा भी लगाती है। आजकल तो देखिए टोल टैक्स ही लाखों रुपये का लोगों को चला जाता है, इतना वो पेट्रोल नहीं लगता जितना आजकल टोल टैक्स लग जाता है, 100-150 किलोमीटर जाने में कई टोल टैक्स आते हैं। और यही एक पुल बन रहा है जो हाईवे कहते हैं, जब तक ये पूरा होगा वादी और बढ़ जाएगी, और फिर ये कहेंगे इसके ऊपर एक और पुल बनाया जाए या इसके नीचे बनाया जाए, मेट्रो चलाई जाए, कोई प्लानिंग नहीं। पहले लुधियाना में मेट्रो चलाने की इन्होंने योजना बनाई थी जब वो हमारी अकाली सरकार थी, सुखबीर बादल था, तो वो प्लानिंग वगैरह हुई लुधियाना शहर की, मैपिंग वगैरह हुई कि जहाँ मेट्रो चलाएंगे, मेट्रो को छोड़ा उन्होंने, कहते हैं यार पुल ही बना दो जहाँ पर, पुल बनते बनते जाने के कई साल लग गए, बच्चे छोटे से बड़े होकर वो भी देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। चलो हम पुल के साथ साथ जा रहे थे तो हमने दिखाते हैं ये कि जब पुल के साथ साथ मिट्टी कैसे उड़ रही है और ये डेवलपमेंट है हमारे देश की, भैया क्यों नहीं जाएंगे बच्चे ये देश छोड़ के, जहाँ पर तो डेवलपमेंट होने में कई कई साल लग जाते हैं, पुल बनने में इतना समय लग गया और आगे जो हमारी डेवलपमेंट है उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, चलते चलते हम दिखाते हैं और जो भी देखते हैं वही दिखाते हैं कि हम सोचते हैं कि आपकी सोच बदले तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो ये देश बदलेगा, लेकिन लगता है कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि 75 साल के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, करप्शन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, और अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दी और अपने बच्चे उन्होंने बाहर भेज दिए सभी लोगों ने, और बाकी रह गए जहाँ पर ये जो पुल है जो बीच में लटका हुआ है। चलो देखते हैं, पुल के साथ साथ चलते हैं। तो कहते हैं इलीगल बिल्डिंग है, जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनती है तो कहते हैं इलीगल बिल्डिंग है, ये प्लानिंग के हिसाब से नहीं बनी है, उधर ही लगाता रहे, धूप पड़ती है मेरा तो फिर साफ ही नहीं आएगा, उधर लगाता रहे। कहते हैं ये बिल्डिंग जो है इलीगल है, इसमें बेसमेंट नहीं है, इसमें ये 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, 5 मंजिल है, भैया ये पुल कौन सा जहाँ पर प्लानिंग से बन रहा है, इसकी भी प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं है, ये सब वैसे बनता है हमारे हिंदुस्तान में। और आज तक लुधियाना में कोई भी बिल्डिंग ऐसी है जो आप कहें कि ये बाई ला बनी हो, कोई भी बाई ला नहीं बनता जहाँ पर, सिर्फ पैसा 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 ही है जहाँ पर, और पैसे का सारा खेल है, और मंत्री जी पैसा है, अफसर भी पैसा है, लोग भी पैसा, हर कोई पैसा है। वो देखे सामने बिल्डिंग में कई वर्षों से देख रहा हूँ, पीछे वो चुवारे दिखाए, वो बिल्डिंग है जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बीच में अटका हुआ है, पता नहीं क्या जाने प्रॉब्लम है, वो भी नहीं बनी कई सालों से, और जो पुल भी बीच में लटका हुआ है पता नहीं यार क्या होने वाला है। अरे भैया तुम्हारे बेसमेंट नहीं, हम कई बिल्डिंग देखते हैं सरकारी, वहाँ बेसमेंट भी नहीं है, पार्किंग भी नहीं है, वो लीगल है, लेकिन लोगों कहते हैं आपका इलीगल है, वहाँ लाखों रुपये जुर्माना लगता है आजकल बिल्डिंगों पे, आपको मालूम नहीं यार लाखों रुपये जुर्माना लेते हैं ये लोग ये बिल्डिंग जो बनती हैं। चलिए हम चलते हैं आगे, चलते चलते देखेंगे। यहाँ पर एक आंसर प्लाजा बना था, अंदर बहुत बड़ी मार्केट बनी थी और लोगों ने दुकानें यहाँ पर ले ली, लेकिन दुकानों का हाउस टैक्स इतना आने लग गया कि लोग दुकानें छोड़ के चले गए, कहते हैं यार इतना तो हमारे कमाते नहीं जितना सरकार को टैक्स देना पड़ता है, हाउस टैक्स देना पड़ता है, दुकान का टैक्स देना पड़ता है, ये भी बंद हो गया बीच में, अधूरा ही रह गया सारा बीच में। चलते आगे,
और चलते चलते हमने आपके जो फ्लाई ओवर दिखाया जो लुधियाना में बन रहा है, कई किलोमीटर लंबा है, फिरोजपुर रोड से जो ट्रैफिक आता है इसको ऊपर से जाएगा, लेकिन बनते बनते से कई वर्ष लग गए। चलो भैया जैसा देखा मैंने दिखा दिया, जो कहाँ कुछ नहीं होने वाला हिंदुस्तान में, जब तक चोर बुजारी बेईमानी भ्रष्टाचार ये सब चलता रहेगा यहाँ पर, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हम एक दूसरे को लूटने वाले हैं और लूटते रहेंगे। चलते हैं आगे भैया कहीं और।